नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आपका स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने चैनल में और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उस वीडियो में घर में सही स्थान पर रखी हूँ अगर ये पांच चीज़ें तो हो सकती है आप धनवान पर उससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हर व्यक्ति की जिंदगी में वास्तुशास्त्र काफी मायने रखता है घर और चीजों का वास्तु सही हो तो उस व्यक्ति के दिल चमकने लग जाते हैं लेकिन थोड़ी सी भी गलती उसका भविष्य बिगाड़ सकती है जितनी अहमियत घर के वास्तु का होता है उतना ही महत्व तो। घर में रखी चीजों का भी होता है कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिसे हम कहीं भी रख देते हैं और बाद में उसका नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ता है घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए अक्सर लोग तुलसी का पौधा घर में जरूर रखते हैं लेकिन जबकि ये सही दिशा नहीं है वास्तु दोष को दूर करने के लिए छत पर उत्तर पूर्व दिशा में पांच तुलसी का पौधा लगाएं। सात घोड़े की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है लेकिन उसे कहीं पर भी ना लगा दें सात घोड़े के रथ पर सवार सूर्य देव की तस्वीर को पूर्व दिशा में ही लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है अतिथि कक्ष में घर के मुखिया के सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते पक्षी की तस्वीर लगाए साथ ही अतिथि कक्ष में भगवान कृष्ण की बाल लीला तस्वीर को भी लगाना चाहिए अगर आप अपने घर में हवन की तस्वीर लगा रहे हैं तो इसकी दिशा जरूर ध्यान रखें वास्तु विज्ञान के अनुसार हवन की तस्वीर को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए लेकिन अगर आपके घर में आग्ने कोण में शयन कक्ष है तो फिर शांत समुद्र की तस्वीर लगाएं। जिस घर की रसोई आग्ने कोण में ना हो तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश की तस्वीर लगाए थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें